वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये और कई एग्जाम में से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसके लिए तो है और इसकी बेसिक जानकारी हमें वैसे भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता क्या है। इस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बोल सकते हैं उन्होंने लोगो दिया है, उनका लोगो है ये। इसी के साथ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कब की गई, तो आप आंसर दे सकते हैं 12 अक्टूबर 1993 को की गई। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग जो है उसका मुख्यालय कहां है, तो आप बता सकते हैं दिल्ली में। 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रहरी का मतलब होता है कि उनकी रक्षा करने का काम करता है। देखिए, मानव अधिकार आयोग क्या करता है, जैसे अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है, मान के चलिए हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, राइट, तो वहां पर जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो क्या करता है, एक न्यायिक प्रक्रिया की तरह काम करता है और एक तरह से बोल सकते हैं इनके जो अध्यक्ष होते हैं और इसमें सदस्य बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया की तरह किसी को भी ये पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, किसी को भी ये समन जारी कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जिसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। आगे चलते हैं मानव अधिकार का इतिहास। देखिए, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। ये तो है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा कब अपनाया गया, तो यूएन के द्वारा अपनाया गया 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। देखिए, यहां पर मानव अधिकार की अगर हम बात करें तो मानव अधिकार क्यों बनाया गया, मैंने अभी भी बताया कि अगर मान के चले कि किसी जाति विशेष को या किसी वर्ग को किसी भी देश के द्वारा अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो इसमें ह्यूमन राइट्स बनाया गया और ह्यूमन राइट्स में क्या किया, उन मानव की सेवा करना या उनकी रक्षा करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। मानव अधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। तो यहां से क्या होता है, ह्यूमन राइट्स जो है, इससे हमारा ह्यूमन राइट्स से क्या होता है, हमारे अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। हम अभी पढ़ चुके हैं कब बनाया गया, 1993। यह अधिनियम सभी राज्यों सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। क्या करना है, यहाँ राज्य में भी मानवाधिकार आयोग बनाना है और केंद्र में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाना है। अगर मानवाधिकार के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर मानवाधिकार क्या कर सकता है, उसकी न्यायिक जांच कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी भी कोर्ट से ऐसा दस्तावेज मंगाना है तो उस कोर्ट से मैं दस्तावेज मंगा सकता है, राइट, या किसी को समन जारी कर सकता है जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो ये सभी अधिकार मानवाधिकार आयोग को होते हैं। हर साल 10 दिसंबर को, ठीक है, UDHR की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं मानव अधिकार कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है तैयार किया गया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ। एक तरह से अगर देखा जाए तो मानव अधिकार जो आयोग लेकर आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के द्वारा, ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन यूएन का रहा था। इससे जो अदर कंट्री थी, अदर कंट्री या ऐसे देश जहां पर एक जाति विशेष के ऊपर अत्याचार या किसी वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस पर क्या करी गई, रोक लगाई गई और इससे लोगों के अधिकारों को सुरक्षा मिली। देखिए,
मानव अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति के मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। यहां पर देखिए, हम बात करें तो भारत में जैसे मान के चले हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राइट, तो मौलिक अधिकार तो हमारे है ही, लेकिन जब मनुष्य को क्या है, उसके जन्म होने पर ही जो मनुष्य को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं जो व्यक्ति के मनुष्य होने के कारण उसे प्राप्त है, मतलब वो मनुष्य है इसलिए उसको ये ह्यूमन राइट्स दिया गया, राइट। तो इसके लिए मानव अधिकार बनाया गया। मानव अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार की व्यवस्था है जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है, परंतु वर्ष 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक हैं जो किसी राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में दी हुई है। चलिए, मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार देश के नागरिक होने के कारण ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार जो होते हैं वो पूरी मानव जाति हम बोल सकते हैं, जैसे मान के चलिए कोई अर्थ है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या होता है, पूरी मानव जाति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अगर मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार देश के नागरिक होने के कारण ही उसे प्राप्त होते हैं। मतलब अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, जैसे हमारे देश यानी भारत देश के आप नागरिक हैं, तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप मानव हैं या किसी अर्थ में कहीं भी रहते हैं, तो आपको मानव अधिकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स एक सार्वधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ। ये भारत में हुआ, राइट, इंडिया में कब हुआ, 1993 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव जाति के मानव अधिकारों को प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी मतलब मैंने अभी बताया था, प्रहरी मतलब रक्षा करता है, ये मानव होने पर ही हमारी रक्षा करता है, इसलिए ह्यूमन राइट्स के नाम से इनको जाना जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताऊं, जैसे कोई कानून बनाया जाता है, अब कानून बनाया जाता है, कोई रूल बनाया जाता है, उस पर सहमति देशों की ली जाती है, एग्री किया जाता है। जैसे यूएन ने कोई कानून बनाया तो उस पर सहमति ली जाती है, और ऐसी सहमति में भारत ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर किए इसका मतलब आप उस बात से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो आपको ऐसा कानून आपके देश में भी बनाना पड़ेगा, या ऐसा नियम आपको आपके देश में बनाना पड़ेगा। वर्ष 1990 के बाद पूरे विश्व में मानव अधिकार के संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयत्न किए गए, और भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है कि ऐसा नहीं है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। इनका कहने का मतलब है जो उच्चतम न्यायालय है उसका विरोधी नहीं माना जाए, वरन पूरक है, क्योंकि मानवाधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत में, अगर हम बात करें तो भारत में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा पहले से कर रहा था, लेकिन मानवाधिकार अगर है तो ये हमारे अधिकारों की रक्षा तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा था, लेकिन अगर मानव अधिकार आयोग बनाया गया है तो इसका मतलब वो उसको सपोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, क्या होता है मानव अधिकार। संयुक्त राष्ट्र यूएन की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब है कि कभी कभी कंट्री में क्या होता है बच्चों, किसी भी जाति विशेष को लेकर, लिंग को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर या किसी अन्य जाति को लेकर उन पर अत्याचार अगर किया जाता है, मानव ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन अगर किया जाता है, तो इन चीजों को ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की बात कर रहा है, और काम एवं शिक्षा का अधिकार है आदि शामिल। आदि इसमें जितने भी जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम बोल सकते हैं कि ये हमारे जो अधिकार हैं उनकी भी सुरक्षा करता है। ये कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति मानव है तो मानव है इसका मतलब उसको ये अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, उसको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है कि भाई उसको मानव अधिकार की मान्यता लेनी पड़ेगी या इट मींस दैट कहीं पर नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। नहीं, अगर आप मानव हैं इसका मतलब ये आपको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। देखिए,
यहाँ पर एनएचआरसी एक बहु सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ये आवश्यक है कि इसमें 7 सदस्यों में से कम 3 पदेन एक्स एक्स ऑफिसर को बोल सकते हैं, मतलब जो रिटायर्ड हो किसी से, और इस तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं कोई अच्छी सचिव पद पर रहे हों या कुछ अच्छे पद पर रहे हों, उनके पदेन होना चाहिए। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। तो हम समझते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी, एक कमेटी गठित होती है, उस कमेटी के आधार पर इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, वो बना 67 ईयर्स में, तो उसका जो कार्यकाल रहेगा वो केवल 3 साल का रह जाएगा, क्योंकि 70 वर्ष अगर उसकी एज हो जाएगी मतलब वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो अध्यक्ष का जो जनरली कार्यकाल होता है वो कितने साल का? 5 साल का होता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं एनएचआरसी के कार्य शक्तियां। एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है, उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है? सिफारिश भी कर सकता है और उन बदलाव के लिए उनको सुझाव भी दे सकता है। एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है, राइट, रिसर्च का काम भी करता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम मानव को हो रही है, वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस पर रिसर्च भी करता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार व अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों से जुड़ी जानकारी को प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति जागरूक करता है। मतलब जागरूकता की बात बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे मैं बात बताऊं आपको, जैसे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोगों को नहीं पता उनको जागरूक कर उनको बताया जाए कि उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी मानव अधिकार की जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है उसको लेकर ये प्रचार प्रसार भी करते हैं और जागरूकता भी फैलाते हैं, जिससे लोगों को उनका अधिकार पता चल सके। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, सिविल कोर्ट इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये दीवानी जो अदालत होता है ये किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, ये किसी भी फाइल को, जैसे मान के चलिए इनको जरूरत है कोई जानकारी की तो किसी भी कोर्ट से ये जानकारी निकलवा सकते हैं, किसी को भी व्यक्ति को ये सुनवाई के लिए बुला सकते हैं और ये अंतरिम राहत भी प्रदान करता है। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है, ठीक है। एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज होती हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स एक ऐसा बोल सकते हैं आयोग है या कमीशन है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ गलत हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है इसका मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, वो वहां पर दर्ज कराता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। यह राज्य तथा केंद्र सरकार को मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। ये क्या करता है? राज्य और केंद्र को सिफारिश भी कर सकता है और उनको सजेस्ट भी करता है कि किस तरीके से मानव सेवा करना है, यानी मानव को कि उनके जो अधिकार दिए उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये राज्य और केंद्र को बताने का काम भी करता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है और जो पार्लियामेंट के दोनों सदन होते हैं उस पर चर्चा की जाती है, दोनों सदनों में इनको रखा जाता है। तो ये प्रस्तुत किसके पास करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और हम बात कर सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसको क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी जांच करने का अधिकार है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मान के चलिए आप इंडिया में रहते हैं, राइट, इंडिया में रहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान के चलिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और ऐसी कोई शिकायत आ जाती है कि आपके मानवाधिकारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उस शिकायत को अगर उनको लगता है कि इसकी जांच होना चाहिए तो उसकी क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जो न्यायिक मामले जितने भी होते हैं उनमें ये हस्तक्षेप भी कर सकता है, लेकिन बशर्ते वो कौन से होना चाहिए, मानवाधिकार के मामले होना चाहिए। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। अब जेल में क्या होगा भाई, कभी कभी क्या होता है किसी कंट्री में, जैसे जेल में है, जेल में किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा, मतलब वो है तो मानव ना, अगर उसको जेल हुई है तो है तो मनुष्य। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई उसके मानव अधिकारों के जो है उसके जो अधिकार है उनका उल्लंघन किया जाएगा।
अगर मानवाधिकार आयोग को ऐसा लगता है कि जेल में भी लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उसका वो दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसको लेकर वो सुझाव भी दे सकता है कि इसमें ये बदलाव करने की जरूरत है अगर उनको इसमें लगता है कि ये बदलाव करने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है, ये हटाने की प्रक्रिया हम बोल सकते हैं कि अगर मानवाधिकार आयोग के अगर अध्यक्ष को अगर हमको हटाना है तो वो कैसे हटा सकते हैं आप, इसके लिए अपन समझते हैं। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाते हैं। याद रखें, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने जांच जब होती है उनके सामने दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाते हैं। असमर्थता बोल सकते हैं कि उसके योग्य नहीं था फिर भी उस पद पर बिठा दिया, या कुछ ऐसा काम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान के खिलाफ है, अगर ऐसा कुछ है या कुछ ऐसा व्यवहार जो नहीं करना है वो अगर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जांच में उनको हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग, प्रशासन विभाग भी होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए मैंने क्या बोला, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश में जैसे हमें बात करना है, नियुक्ति करना है, तो वो कौन करेगा, यहाँ पर राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो एक तरह से केंद्र का एजेंट होता है, यानी एक तरह से एक राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट का काम करता है। द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधान सभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। राइट, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हमने देखा इसको बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसमें हमने कुछ यूएन के पॉइंट भी डाले। इससे क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग भारत में कब बनाया गया, यूएन ने इसको कब बनाया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी क्या शर्तें हैं, क्या मानवाधिकार आयोग के जो लोग हैं उनको हटाया जा सकता है, बेसिक जानकारी जो इससे पूछी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इसको देखा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।